हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर केएस सोगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में या फिर हेमोडायलिसिस के बारे में। तो हेमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस क्या होता है, किस लिए किया जाता है, वो किस लिए करना ज़रूरी होता है और उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स पेशेंट को होते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस मतलब इंसान के शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल करके एक मशीन के सहारे प्यूरीफाई करना और फिर उस ब्लड को उस ह्यूमन बॉडी में फिर से ट्रांसफ़र करना। तो इस पूरे प्रोसीजर को डायलिसिस ऐसे कहते हैं। तो ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारे शरीर में नेचुरली ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम हमारी किडनीज़ करती हैं। तो इंसान के शरीर में जो दो किडनीज़ होती है उन किडनीज़ का काम ही होता है कि ब्लड को प्यूरीफाई करना। लेकिन अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति में उस पेशेंट की किडनीज ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो फिर उस पेशेंट का ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं जिस वजह से उस पेशेंट में बहुत टॉक्सिक कंडीशन पैदा हो जाती है। अगर अलग शब्दों में बात करें तो जिस पेशेंट की किडनीज काम नहीं कर रही हैं या फिर जिस पेशेंट को एंड स्टेज किडनी डिसीज़ है उस पेशेंट में डायलिसिस करना पड़ता है। तो किडनी ख़राब होने के वजह से तो बहुत से कारण होते हैं। कुछ प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो जैसे कि उस पेशेंट को किडनी स्टोन होना, किडनी का कैंसर होना या फिर क्रॉनिक डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना या फिर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है जिसकी लीवर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, उसके वजह से बाद में किडनीज भी फेल हो गए हैं, तो इस तरह के भी पेशेंट होते हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिस वजह से उस पेशेंट की किडनीज़ ख़राब हो सकती है। तो इसमें से किसी भी वजह से अगर उस पेशेंट की किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं तो उसकी वजह से उस पेशेंट में डायलिसिस करना पड़ सकता है। तो डायलिसिस करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जब हम उस पेशेंट के ब्लड टेस्ट करते हैं तो उस पेशेंट में किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर भी उस पेशेंट का स्पेसिफिकली सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखा जाता है। अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो फिर उस पेशेंट में डायलिसिस की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन को ही नहीं देखा जाता, लेकिन सीरम क्रिएटिनिन के साथ साथ उस पेशेंट में सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम तरह के ह्यूमन बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी चेक किया जाता है। तो इस तरह से उस पेशेंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस है, उस पेशेंट में अगर सीरम क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, इसी के साथ साथ वो पेशेंट बहुत ही टॉक्सिक है, यूरिन आउटपुट बहुत ही कम है, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को फिर सस्पेक्ट किया जाता है कि उस पेशेंट में किडनी फेलियर हो सकता है। अगर शॉर्ट में बात करें तो जिस पेशेंट में इंड स्टेज रीनल डिसीज़ है उस पेशेंट में डायलिसिस करना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट में 85% to 90% उस पेशेंट की किडनी का काम बंद हो चुका होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट का GFR मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो है वो 15 या 15 से भी कम होता है, तो इस तरह के पेशेंट में डायलिसिस करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद एक्चुअल डायलिसिस की प्रोसीजर करनी पड़ती है। डायलिसिस मतलब आमतौर पे जिसको हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं, हेमोडायलिसिस को करने के लिए आमतौर पे डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस मशीन आप ICU में देख सकते हो, आप मेरे लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो, तो ये डायलिसिस मशीन है। इसको इस्तेमाल करके ICU में किसी भी पेशेंट में हेमोडायलिसिस करते हैं। तो इस डायलिसिस के मशीन से उस पेशेंट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उस पेशेंट की जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है जो कि इंसान के नेक में यहाँ पर होती है, मोस्टली राइट साइड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में राइट साइड की जुगुलर वेन ठीक से नहीं मिल पा रही है तो फिर लेफ्ट साइड से भी उस पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जा सकता है। एक बार अगर हम किसी पेशेंट को उसके नेक के इंटरनल जुगुलर वेन का इस्तेमाल करके डायलिसिस मशीन से अगर जोड़ते हैं तो फिर हम उस पेशेंट को उस वेन का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक डायलिसिस बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब कि उस पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक उस एक ही वेन से डायलिसिस कर सकते हैं। तो इंटरनल जुगुलर वेन से जो ब्लड बाहर आता है वो ब्लड डायलिसिस मशीन में जाता है। डायलिसिस मशीन में कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिन मेम्ब्रेन्स का काम होता है उस ब्लड को फिल्टर करना। तो वो मेम्ब्रेन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड को फिल्टर करने के बाद फिर वो ब्लड उसके बाद एक लिक्विड होता है उसमें, जिसको कि डाइसोलेट भी बोलते हैं, और वहाँ से प्यूरीफाई हो करके फिर वो ब्लड वापस ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो इस तरह से जिस पेशेंट में किडनीज काम नहीं कर रही है उस पेशेंट में उस पेशेंट के ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है और उस पेशेंट के ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस मशीन को इस्तेमाल करने के या फिर डायलिसिस के प्रोसीजर के इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो डायलिसिस करने से उस पेशेंट के ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उस बैलेंस को मेंटेन करने का काम किया जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पेशेंट के बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है या फिर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको बाहर निकाला जा सकता है।
तो ओवरऑल उस पेशेंट के ब्लड की पूरी क्लीनिंग प्रोसीजर या फिर पूरा फिल्ट्रेशन इस डायलिसिस की वजह से हो जाता है। और इस डायलिसिस को अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट में ज़रूरत पड़े तो इससे कम भी डायलिसिस हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज किसी भी पेशेंट में एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में 3 बार डायलिसिस किया जा सकता है। एक सेफ़ लिमिट है, अगर उस पेशेंट की किडनीज पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं तो उस पेशेंट को कम से कम एक हफ्ते में 3 बार तो डायलिसिस कराना ही चाहिए। अगर डायलिसिस का इस्तेमाल करें, ठीक से करें, तो फिर किसी भी पेशेंट में जिसकी किडनीज फेल हो चुकी है उस पेशेंट की लाइफ ज़िंदगी हम 4 साल से लेकर के या फिर 3 से 4 साल से लेकर के 10 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने शॉर्ट में बात की डायलिसिस के बारे में। अगर आपके डायलिसिस के विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की वीडियोज़ के थ्रू आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आपके कुछ डाउट्स है, कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।